डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने जीवमा जीव आव्यो काव्य पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो हर तरफ खुशहाली छा जाती है, इत्मीनान हो जाता है, सबकी जान में जान आ जाती है, जो काव्य का शीर्षक है जीवमा जीव आव्यो। जीवमा जीव आव्यो इसका साहित्य प्रकार सोनेट है और सोनेट 14 पंक्तियों की होती है, जो आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों, आपने ये काव्य के सवाल जवाब भी नोट में लिख लिए होंगे। तो अब आज हम गुजराती के इस पीरियड में आगे बढ़ते हुए नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो के ना कोई पाठ है यानी सबक, ना ही कोई काव्य है। हम आज गुजराती के पीरियड में व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम व्याकरण एकम एक की तरफ आगे बढ़ते हुए समानार्थी और विरोधी इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। समानार्थी और विरोधी जो कि आपने नाइन्थ में सीखे ही है, लेकिन अभी भी ये आपके सिलेबस में है और एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के समानार्थी, 2 मार्क्स के विरोधी आते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि समानार्थी शब्दों कौने कहे छे, यानी समानार्थी यानी हम माने अल्फाज किसे कहते हैं। तो समान अर्थवाड़ा शब्दों ने समानार्थी शब्दों कहे छे के पर्याय शब्दों कहे छे, यानी एक जैसे जो मतलब उनका होता है या एक जैसा अर्थ जिनका होता है उसे समानार्थी यानी हम माने अल्फाज कहते हैं। अब हमें समानार्थी शब्दों शा माटे जानवा जरूरी छे, हम माने अल्फाज हमें जानना क्यों जरूरी है? तो समानार्थी शब्दों जानवाथी आपणुं शब्द भंडोळ वधे छे। ये जो हम माने अल्फाज है, ये जानने से हमारा जो लफ्ज़ों का ज़खीरा है उसमें इजाफा होता है। आपने लखाण ने वधु सचोट, समृद्ध अने अलंकारिक बनावी शकीए छे। हम हमारी लिखावट को ज़्यादा मौसर, भरपूर और अलंकारिक यानि बहुत ही खूबसूरत, सुंदर बना सकते हैं। आपणी भाषानी लेखन शक्ति अने वर्णन शक्ति वधे छे। हमारी जो भाषा है उसमें लेखन शक्ति यानि जो तहरीरी कुवत है वो, और वर्णन शक्ति यानि बयानी जो कुवत है उसमें इजाफा होता है। तो ये सब वजहों की वजह से हमें समानार्थी शब्दों को जानना ज़रूरी हो जाता है, जिससे हमारी बात को हम मौसर तरीके से पेश कर सकें। तो कुछ समानार्थी शब्द हम देखेंगे। आँख इसके समानार्थी है, नैण, नयन, चक्षु। उदधि उसके समानार्थी है, सागर, समुद्र, दरियो। दुख, पीड़ा, संताप यानी तकलीफ। कीर्ति जिसके समानार्थी शब्द होते हैं ख्याति, नामना, यश यानि समाज में इज्जत हासिल करना या रुतबा हासिल करना, उसे कीर्ति ख्याति कहते हैं। कौमुदी उसका समानार्थी अर्थ शब्द है चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रिका। जब पूरा चांद होता है पूनम के दिन, तब जो उसके आसपास जो रोशनी होती है उसे चांदनी कहेंगे। स्निग्ध यानि लीसु, कोमल, सुवाड़ू यानि बहुत ही नाजुक। संग्राम यानि युद्ध, लड़ाई, जंग। होशियार जो आप माशाल्लाह आप सभी हो, जिसे समानार्थी शब्द है कुशल, निपुण, प्रवीण। और भी समानार्थी शब्द देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। गहन तो उसका समानार्थी शब्द दूसरे है गाढ़, ऊंडू, अतड़। घोड़ो
उसके समानार्थी शब्द है अश्व, तुरंग, है, जासूस, तो गुप्तचर, बातमीदार, थोड़ू, तो उसके समानार्थी शब्दों के अल्प, नजीवु, क्षुल्लक। अब यहाँ जो एक लफ्ज़ के तीन तीन हम मायने लफ्ज़ दिए हैं, तो ये तीनों में से या ये चारों में से कोई भी एक आपको आ सकता है जिसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि भाई थोड़ू का समानार्थी शब्द आपको तो अल्प ही आ गया तो आपको याद रहेगा, क्षुल्लक या नजीवु भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे लफ्ज़ भी आपको याद रखने होंगे कि नजीवु और क्षुल्लक का समानार्थी अर्थ होता है थोड़ू। पराक्रम, जिसको बहादुरी, शौर्य, शुरातन कहेंगे। शपथ, जिसे कहेंगे सौगंध, कसम, प्रतिज्ञा। श्याम यानि काड़ू, शामड़ू, असित, उसका ऑपोजिट यहाँ है श्वेत, तो श्वेत का समानार्थी शब्द है सफ़ेद, धवल, धोड़ू। आगे है प्रशंसा यानि वखाण, स्तुति, तारीफ। बांधव, जिसके समानार्थी शब्द है भाई, सहोदर, भ्राता। भयंकर, जिसके समानार्थी शब्द है भयानक, बिहामणु, कराल। भूल, इसके समानार्थी शब्द है दोष, वाक, क्षति। मति, इसका अर्थ होता है या इसके समानार्थी शब्द होते हैं बुद्धि, प्रज्ञा, मेगा, यानि जो हमारा दिमाग है वह। मश्करी, उसके समानार्थी शब्द है मजाक, टीखड़, टोड़। अब मेहमान, उसका समानार्थी शब्द है अतिथि, परोणो, अभ्यागत। मित्र, तो भाईबंद, दोस्त, भेरू। तो बच्चों, हमने इतने समानार्थी शब्द यानी कि हम माने अल्फाज देखे। आपकी किताब में और भी लफ्ज़ है जो आपको पढ़ने हैं और नोट में लिखने हैं। ये जो अभी हमने देखे ये लफ्ज़ तो आपको लिखने ही हैं नोट में, लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा दिए हैं वो भी आपको अपनी नोट में लिख लेने हैं। अब हम आगे देखेंगे विरुद्धार्थी शब्दों कोने कहे छे। विरोधी यानि ऑपोजिट, जिसे जिद कहेंगे, तो विरुद्धार्थी शब्द कोने कहे छे, तो विरुद्ध अर्थ धरावता शब्दों ने विरुद्धार्थी शब्दों कहे छे। ऑपोजिट मीनिंग जो रखते हैं एक दूसरे का उसे विरुद्धार्थी शब्दों यानि ऑपोजिट, जिन्हें जिद कहेंगे। अब जैसे हमने देखा कि समानार्थी शब्दों हमें जानने के लिए क्यों ज़रूरी है, ऐसे ही भाई विरोधी शब्द हमें क्यों जानने हैं या इसके बारे में हमें मालूमात क्यों हासिल करनी चाहिए। तो विरोधार्थी शब्दों शा माटे जानवा जोईए, तो उसमें सबसे पहला है वाक्य ने वधु सचोट रीते रजू करवा माटे। हमारा जो जुमला है, सेंटेंस है, उसे और भी ज़्यादा मुअस्सर तरीके से पेश करने के लिए। विधेय माथी निषेध के निषेध माथी विधेय वाक्य में फेरवा माटे विरुद्धार्थी शब्दों जानवा जोईए। अब विधेय यानि के पॉजिटिव, जिसे हकारात्मक कहेंगे, उसमें से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे इंग्लिश में आपका होता है नेगेटिव एंड एफर्मेटिव, तो जो विधेय वाक्य है वो एफर्मेटिव है और निषेध वाक्य है उसे नेगेटिव कहेंगे, यानि मनफी जुमले और मुस्बत। उसके लिए भी, उसकी एक दूसरे में तब्दील करने के लिए भी हम विरुद्धार्थी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जो हम उदाहरण मिसाल के ज़रिए आगे समझेंगे। जैसे पहला जो जुमला है वो निषेध वाक्य है यानि मनफी जुमला है, नेगेटिव। आ ओरडामा उजास नथी, यानि ये कमरे में उजाला नहीं है। अब दूसरा जुमला देखेंगे विधेय वाक्य, ये विधेय वाक्य है यानि अफर्मेटिव। आ ओरडामा अंधकार छे। अब ये दोनों वाक्य अगर आप देखें तो इनका अर्थ नहीं बदला है, इनका मीनिंग एक जैसा ही है, लेकिन पहले वाक्य में जो निषेध वाक्य है उसमें नथी शब्द का इस्तेमाल किया है, यानि ये निषेध वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ उजास का ऑपोजिट अगर हम रख दे और नथी लफ्ज़ निकाल दे तो मतलब वही रहेगा, लेकिन सिर्फ ऑपोजिट रखने की वजह से हम निषेध वाक्य को विधेय वाक्य में तब्दील कर सकते हैं। जैसे आ ओरडामा उजास न थी, तो यहाँ उजास का ऑपोजिट रख दिया तो उसका मतलब नहीं बदला लेकिन वाक्य विधेय हो गया, आ ओरडामा अंधकार छे। तो ऐसे निषेध वाक्य को विधेय में से या विधेय वाक्य को निषेध में तब्दील करने के लिए भी हमें विरुद्धार्थी शब्दों का इस्तेमाल
बहुत ज़रूरी हो जाता है या हमें बहुत काम आते हैं। आगे देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। अंत उसका विरोधी होता है आदि, आदि यानी शुरुआत। अंधारू अजवाड़ू अंधेरा और उजाला। आकाश पाताल। आनंद विषाद, आनंद यानी खुशी, विषाद यानी दुख। उदय अस्त, उदय यानी उगना, अस्त यानी डूबना। उगवू आथम्बू, अब अगर आपको भले ही उदय और उगवू और अस्त और आथम्बू का मतलब एक होता है, लेकिन ऑपोजिट में अगर उदय आया तो आपको आथम्बू नहीं लिखना है, उदय का अस्त ही आएगा ऑपोजिट और उगवू का आथम्बू ही आएगा, तो ये आपको याद रखना है। कीर्ति तो अपकीर्ति, कुदरती का कृत्रिम, चोर का विरोधी है शाहूकार, जन्म का विरोधी है मरण, जीवन का है मृत्यु, निर्बल का है सबड़, निवृत्त का है प्रवृत्त, निष्ठुर का है ऑपोजिट दयालु दयाड़ू, पूनम का ऑपोजिट है अमास, प्रशंसा का विरोधी है निंदा, भोड़ू यानि भोला उसका ऑपोजिट है लुच्चू, मित्र का ऑपोजिट है शत्रु, मुक्ति का ऑपोजिट है बंधन, शीतड़ का ऑपोजिट है उष्ण, सक्रिय का ऑपोजिट है निष्क्रिय, सुमति का ऑपोजिट है कुमति, सूर्योदय का ऑपोजिट है सूर्यास्त और स्वावलंबी का ऑपोजिट है परावलंबी। स्वावलंबी यानी खुद पर डिपेंड रहना, अपना काम खुद करना, और परावलंबी का अर्थ होता है दूसरों पर आधार रखना या किसी और हमारे काम के लिए किसी और पर डिपेंड होना। तो स्वावलंबी उसका ऑपोजिट है परावलंबी। तो बच्चों आज हमने विरोधी और समानार्थी शब्द देखे जो आपकी एग्ज़ाम में दो दो मार्क्स के आते हैं, और व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जो गुजराती भाषा में अगर पूरे मार्क्स हमें हासिल करना हो तो वो व्याकरण में ही हम कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये अपनी नोट में लिख लेना होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।